नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। आज फिर से आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है, आपका पेपर जो है आगामी होने वाला है, तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इसके अलावा जो मॉडल सेट पेपर है और जो ब्लू प्रिंट है, इसी पर बेस्ड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो स्टूडेंट, करते हैं हम सभी इस वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए स्टूडेंट, हम चैप्टर वाइज जो कि ब्लूप्रिंट, इसके अलावा जो मॉडल सेट पेपर है, उसमें सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करके यूनिट वाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग रखा गया है, वहाँ से मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ और कुछ चैप्टर जिनके इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन बताऊँगा। आप को मैं ये नहीं कि मुझे पेपर पहले से पता है, मैं आप सभी को केवल एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिए, हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा वीडियो में फास्ट रखूंगा क्योंकि कम टाइम पे आपको सारी चीजें कवर करनी है। रिलेशन एंड फंक्शन जो कि टोटल मार्क्स 5 नंबर का है यहाँ से, और 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम बात करें 1 नंबर के 3 क्वेश्चनों में, तो यहाँ से एक रिलेशन के लिए क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा। वो ये पूछेगा कि ये सेट जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, ठीक है। और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर में वो केवल या तो रिफ्लेक्सिव या फिर सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ये तीनों में से कोई सा एक प्रूफ करने के लिए देगा वो। इसके अलावा जो 2 नंबर में इसके और में जो क्वेश्चन दे सकता है, अगर ये नहीं आया तो प्रीवियस ईयर के कई, अगर हम बात करें 2005 साल के पेपर में, तो ज़्यादातर रिलेशन ही पूछा गया है, यहीं से पूछा गया है। तो ये अगर नहीं आता है तो इसके और में वो दे सकता है 1-1 इन ऑन 2 फंक्शन, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारे पास बसता है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट टॉपिक को लास्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं या फिर केवल फर्स्ट और सेकेंड पढ़ लेते हैं, तो भी आप यहाँ से मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर सेकंड पर। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। यहां से टोटल मार्क्स का आ रहा है 5 नंबर का, और इस 5 नंबर में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली बात है, 1 नंबर वाले में वो प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, ठीक है, जो कि 2.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि वो डोमेन और रेंज भी पूछ ले। तो यहां पर 1 नंबर के 2 क्वेश्चन जहां पर प्रिंसिपल वैल्यू या डोमेन और रेंज आ सकते हैं। 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब 3 नंबर के 1 क्वेश्चन में मैंने एक इंपॉर्टेंट 2 एक्सरसाइज यहां पर बताई है, और ये जो मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी बुक जो है उसके अकॉर्डिंग है पूरा। तो एक्सरसाइज है आपके पास 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आ सकते हैं। इसके अलावा 2.2 यहां पर आइडेंटिटी का यूज करके हम रिलेशन को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी सम को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यहां से ये आ सकता है। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास, बहुत ही इजी चैप्टर जिसका नाम है मैट्राइजेस, ठीक है, जिसका नाम है मैट्राइजेस आव्यू। और आव्यू में टोटल मार्क्स का आ रहा है हमारे पास 6 नंबर का, जिसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। बहुत ही ईजी है। 1 नंबर के 2 में यहां पर वो मैट्रिक्स की जो टाइप्स है वहां से कोई सा क्वेश्चन बना के दे सकता है या मैट्रिक्स की आइडेंटिटी पूछ सकता है। अगर हम बात करें 2 नंबर के 1 क्वेश्चन में, तो यहां पर मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये आ सकता है। और 3 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो मैंने 2 एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट में डाली है, आप ये पहले पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ना आपको पूरा ही है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में रिवीजन करना चाहें तो पहले इन एक्सरसाइज को पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप और आपके हिसाब से और भी चीजें बढ़ा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से 3.1 एक्सरसाइज एंड 3.2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, जिनमें मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या फिर एलिमेंट, ये पूछ सकता है। और 1 नंबर में 1 क्वेश्चन और मिस हो रहा था, वो यहां पर ऑर्डर पूछ सकता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x1, 2x1, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स, हिंदी में इसे हम बोलते हैं सारणिक, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 4 में जो है टोटल 6 नंबर का आ रहा है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है यहाँ पर और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है। अब 1 नंबर के 2 मतलब यहाँ पर ये भी आइडेंटिटीज पूछ सकता है सारणिक की, ठीक है, या फिर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू या एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन की बात थी। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन जो कि कहाँ से बनेगा, 101% 4.2 से बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है
एलिमेंट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है, यहां पर हम ऑपरेशन लगा के प्रूफ करते हैं। इसके बाद यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो 4.3 एक्सरसाइज, मतलब आपको 4.2 पर फोकस करना है, 4.3 पर फोकस करना है, जहां से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बट 101% में आपको बोलूं तो 4.2 में से एक क्वेश्चन आया है, पिछले कई सालों से आया है, और यहां पर एग्जांपल नंबर 16 जो कि मॉडल सेट पेपर जो कि एमपी बोर्ड ने लॉन्च किया था उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आप ये क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, जहां से हमारा स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन का पार्ट यहीं से हमारा स्टार्ट है, पूरा नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हिंदी में इसे हम कहते हैं सांतत्यता एवं अवकलनीयता। यहां पर अगर बात करें तो टोटल मार्क्स से 8 नंबर यहां से आपको मिलने हैं, जहां पर 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का कितना है 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरह से मार्किंग है हमारे पास। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आने वाला है, देखिए यहां पर ये गड़बड़ हुआ है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर के 2, 2 नंबर का 1, ये टोटल हो गया आपके पास 4, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल हो गया 8 मार्क्स। इस 8 मार्क्स में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज जो कि कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, और कंटिन्यूटी वाले में आपका आता है 5.1 एक्सरसाइज। 5.1 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी पिछले कई सालों से एग्जाम में आया है, आप ये इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5.3 एक्सरसाइज, 5.5 और 5.6, यहां से बहुत ही छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि 2 नंबर के 1 क्वेश्चन जो बन रहा था वो। यहां पर अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन बोलता है कि डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, वो इन एक्सरसाइज में से बन सकता है, आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल, 2 एग्जांपल हैं यहां पर 24 एंड 25, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं इन क्वेश्चनों को आप पहले देख सकते हैं, और अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 चैप्टर के बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें टोटल मार्क्स हैं 6। देखिए वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट रिवीजन करना है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स है 6, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1। अब 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1, देखिए अभी तक के ये देखा गया, मॉडल सेट पेपर हुआ, पीवी हुआ, जितने भी यहाँ पर पब्लिशर है जिन्होंने बुक या गाइड जो लॉन्च की वहाँ पर 6.1 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 6.1 में से रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन आए हैं। रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर वाले जो क्वेश्चन है वो आए हैं। 6.3 जिसमें स्लोप और टेंजेंट पर हमने बात की है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक आ सकता है, और 6.1 यहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे की भी मार्किंग। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में से अभी तक के मैच द कॉलम आया है क्योंकि यहां पर 1 नंबर के 8 क्वेश्चन है और टोटल इस चैप्टर में से 12 नंबर का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहीं से मैच द कॉलम बना है पिछले कई सालों के पेपरों में। और अगर हम बात करें तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में मैंने कुछ एक्सरसाइज यहां पर डाली है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पहले एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकेंड, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में भी 3 क्वेश्चन है और सेकंड में भी 3 क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद हम बात करें 7.2 एक्सरसाइज जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हम टी मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिन भी क्वेश्चनों में टी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो 7.9 और 7.11, ठीक है, 7.9 और 7.11 एंड 7.2, ये 3 एक्सरसाइज को आप पहले पढ़ सकते हैं यहां पर, क्योंकि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये है, और 8 नंबर में जो आएगा वो यहां पर सही जोड़ी आएगा, मैच द कॉलम आएगा, जो कि एडवांस जो फॉर्मूले हैं, एडवांस फॉर्मूले जो कि 10 एडवांस फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक में, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इस चैप्टर का जो शॉर्ट रिवीजन है वो मैंने एक वीडियो में करा चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं एक बार। यहां से अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स है 5, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब यहां से एक बड़ा क्वेश्चन ही आने वाला है, और ये बड़ा क्वेश्चन आएगा 8.1 एक्सरसाइज से। 8.1 के पहले जो एग्जांपल दिए हुए हैं आपको वो सारे एग्जांपल यहां से कवर करने। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की बुक और इसके एग्जांपल यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में ज़्यादातर एग्जांपल पूछते हैं, इसके बाद वो एक्सरसाइज पर टारगेट करता है, तो आप पहले वो पढ़ लीजिए, देन ये जितने मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ ये पढ़ लीजिए, और ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप पूरा सिलेबस फिर कवर कीजिए, ठीक है।
इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल है 5 नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने यहां पर डाली है। सबसे पहले एक नंबर वाले में कौन सी एक्सरसाइज है जहां से फिक्स है जो एग्जाम में पूछता है, 9.1, और 9.1 में कुछ ही क्वेश्चन है जो कि ऑर्डर एंड डिग्री के हैं। अगर आप ऑर्डर एंड डिग्री पर फोकस करते हैं तो यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है। और अगर आपको ये वीडियो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं वीडियो शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ ऑर्डर एंड डिग्री पर। चलते हैं इसमें। अब 4 नंबर का एक क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको 9.5 एंड 9.6 में मिल जाएगा, और 9.1 जो कि मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इन दोनों एक्सरसाइज में से आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर एलजेब्रा। जनरली अगर हम बात करें तो ये बहुत इजी चैप्टर है, और यहाँ से टोटल मार्क्स हैं 5, एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल मार्किंग कितनी 5। अब एक नंबर के 3 में वो वेक्टर की प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, ठीक है, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है, तो इससे इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। इसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। अगर आपको याद हो तो यूनिट वेक्टर मतलब एक एक कैसे हम फाइंड करते हैं, तो यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। इसके बाद परपेंडिकुलर कंडीशन, यदि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कितना होता है 0, तो परपेंडिकुलर कंडीशन दे के रखता है पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए, या लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचता है इस चैप्टर में वो बचता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। 2 वेक्टर की इक्वेशन दी हुई है, उनमें हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला था इसका cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरह से 3 टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 10 भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा जो कि टफ टॉपिक माना जाता है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में टोटल मार्क्स हैं 7, यहां पर एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो इस तरह से 7 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, ये केवल पिछले साल के जो पेपर्स हैं उसी पर बेस्ड नहीं है सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मॉडल सेट पेपर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां पर लिखा है। तो इंपॉर्टेंट में आता है एंगल बिटवीन 2 प्लेन। आप यहां से एंगल वाला क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा ही यहां से एंगल बिटवीन 2 प्लेन। सेकंड टॉपिक आता है एंगल बिटवीन 2 लाइन। थर्ड टॉपिक आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ए बी सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनता है डी इज इक्वल टू या दूरी बराबर मॉड में वो पॉइंट से डिस्टेंस लिखते हैं, पूरे के अपॉन में रूट में हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्म में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये 4 टॉपिक यहां से इंपॉर्टेंट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, ठीक है। यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं 5, एक नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट का डिवाइडेशन कुछ इस तरह से, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो आप 12.1 के पहले जितने भी एग्जांपल दिए हुए उन सबको कंप्लीट करें और 12.1 एक्सरसाइज को कर लें, जिसमें जो डबल इक्वेशन दी हुई है, 3 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में इतना ही दे सकता है, 3 इक्वेशन वाले नहीं दे सकता, और 12.2 जो है वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि क्या करेगा कि वहां से क्वेश्चन देगा वो प्रोबेबिलिटी में। पहला है कि यूनिट का डिवाइडेशन 1:3 है, एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इस तरह से 5 नंबर का बन रहा है। प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है वो पूछ सकता है, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, संभावित घटना और असंभावित घटना में से। अब यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, पहला तो ये कि PE/S यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला टॉपिक। 13.1 एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आता है
13.2 एक्सरसाइज, इनमें केवल इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट कर लीजिए एंड कुछ बॉल्स एंड मार्वल्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगर आपको और अच्छे मार्क्स लाना है तो आप पूरा सिलेबस रीड करें, और अगर आपको पास होना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं मुझे ये नहीं पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से जो एग्जाम में यहां से आया है, जिन एक्सरसाइज में से आया, उसी पर बेस्ड मैंने ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, सारा ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है। तो आप और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।